फ्रेंड्स, आज हम कीबोर्ड पर माँ सरस्वती वंदना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, इस गाने का ट्यूटोरियल हम कीबोर्ड पर स्टेप बाय स्टेप नोटेशन के साथ करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ज्ञान की देवी, संगीत की देवी माँ सरस्वती को माना गया है। माँ सरस्वती के बहुत सारे नाम हैं, इन्हें शारदे माँ के नाम से भी जानते हैं, माँ सरस्वती के नाम से भी जानते हैं, हंसवाहिनी के नाम से भी जानते हैं और ज्ञानदायिनी माता के नाम से भी जानते हैं। जब भी कोई ज्ञान की बातें होती है या पढ़ाई की बातें होती है या संगीत के क्षेत्र में हमें संगीत की पढ़ाई की बातें होती है या संगीत में हमको वर्क करने की बात होती है तो हम एक न एक बार माँ सरस्वती को जरूर याद करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। ऐसा कई लोगों का मानना है कि माँ सरस्वती को आप जितना आराधना करेंगे, जितना स्मरण करेंगे, आपके पास ज्ञान की भंडार उतनी ही अधिक होती जाएगी, ऐसा लोग मानते हैं। संगीत से जुड़े हुए कलाकार जब भी अपना इंस्ट्रूमेंटल प्ले करते हैं या फिर गायकी करते हैं तो सबसे पहले माँ सरस्वती को आराधना करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं, उसके बाद ही वो अपना वर्कआउट शुरू करते हैं। आज हमें भी मौका मिला है इस वीडियो के माध्यम से माँ सरस्वती की आराधना का, तो आइए शुरू करते हैं माँ सरस्वती वंदना। दोस्तों, हम इस गाने को सी शार्प स्केल में प्ले कर रहे हैं, इसे काली एक भी बोलते हैं। तो ये सा रे गा मा प ध नी सा, आगे तार सप्तक रे गा मा। सबसे पहले हम इसकी स्थाई प्ले करते हैं। इसकी पहली लाइन है हे सा रे गा मा, हे सा रे गा मा। देखो, पहला हे शारदे माँ के लिए देखिए, हे शारदे माँ पा पा ध माँ। दूसरी हे शारदे माँ के लिए, हे शारदे अज्ञानता से, अज्ञानता से ध ध ध नी पा। वेशन नोट में ए शार्प तीन बार, फिर सी, फिर जी शार्प। इसके बाद वेस्टर्न नोट के हिसाब से जी शार्प, फिर ए शार्प, फिर जी शार्प, फिर एफ शार्प, फिर एफ, फिर एफ शार्प, फिर जी शार्प। ये पूरी लाइन देखिए, हे शार दे मा, हे शार दे मा, अज्ञानता से हमें तार दे मा। इसके बाद अंतरा नंबर वन स्टार्ट हो जाती है। इसकी पहली लाइन है स्वर की देवी के लिए देखिए, ये सा है तार सप्तक का, ये दो बार तू स्वर की, ये नी है, फिर दे, ये तार सप्तक का रे, फिर से देखिए सा सा नी रे सा। नेक्स्ट तार सप्तक के साथ से सा नी ध प ध नी। वेस्टर्न नोट में सी शार्प, सी, ए शार्प, जी शार्प, फिर ए शार्प,
फिर से। इसके बाद की लाइन है हर सब तेरा है हर गीत तुझसे। सबसे पहले हर शब्द तेरा के लिए देखिए, हर शब्द तेरा, नी नी ध नी ध। वेस्टर्न में सी दो बार, फिर ए शार्प, फिर सी, फिर ए शार्प। नेक्स्ट लाइन है हर गीत तुझसे, वेस्टर्न नोट में जी शार्प, ए शार्प, फिर जी शार्प, एफ शार्प, एफ, एफ शार्प, फिर जी शार्प। इसके बाद की लाइन है हम है अकेले, ये बिल्कुल स्थाई के जैसा प्ले करना है। वेस्टर्न नोट में जी शार्प तीन बार, ए शार्प, फिर एफ शार्प। वेस्टर्न नोट में एफ शार्प तीन बार, फिर जी शार्प, फिर एफ। नेक्स्ट लाइन तेरे संग हमें, सबसे पहले तेरी शरण में के लिए देखते हैं, वेस्टर्न में ए शार्प तीन बार, फिर सी, फिर जे शार्प। इसके बाद की लाइन है हमें तार दे मां, कई लोग इसे हमें प्यार दे मां गाते हैं, यानी कि तार की जगह में प्यार शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। इनका सरगम एक ही रहेगा, हमें तार दे मां, पाद वेस्टर्न नोट में जी शार्प, ए शार्प, फिर जी शार्प, फिर एफ शार्प, फिर एफ, फिर एफ शार्प, फिर जी शार्प। इसके बाद स्थाई लाइन फिर से आपको रिपीट करना है, हे सार दे मा, हे सार दे मा, अज्ञानता से हमें तार दे मा। दोस्तों इसके बाद अंदरा नंबर दो मुनियों ने समझी गुनियों ने जानी, और उसके बाद अंतरा नंबर तीन तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, ये दोनों अंतरा अंतरा नंबर वन के जैसे ही सेम प्ले करना है। और दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और मैं आशा करता हूं कि माँ सरस्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे, बहुत नाम कमाएं, आपके पास ज्ञान के भंडार हो और आप सभी खूब तरक्की करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।